कई बार सितारे बिना कुछ सोचे समझे महज चंद पैसों के लिए किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी को प्रमोट कर देते हैं। बाद में सितारों को इसका बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ता है, कभी जनता की नाराजगी के रूप में तो कभी पुलिस कंप्लेंट के रूप में। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, एक तरफ जहां किंग खान अपनी फिल्म पठान के सक्सेस की पार्टी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खान परिवार पर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है। असल में गौरी खान समेत तीन अन्य लोगों पर मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करवाया है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है किरित जसवंत शाह। बता दें कि 2015 में गौरी खान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रमोट कर रही थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। 2015 में जब किरित ने गौरी का प्रमोशन देखा तो वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से फ्लैट खरीदने लखनऊ पहुंच गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों ने उस शख्स को बताया कि फ्लैट की कीमत 86 लाख है और फ्लैट उन्हें साल 2016 में मिल जाएगा, जिसके बाद किरित ने सारी रकम चुका दी। लेकिन 86 लाख रुपए देने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। किरित ने लखनऊ में ये पुलिस कंप्लेंट की है और इस पुलिस कंप्लेंट में शिकायतकर्ता ने लिखवाया है कि उन्होंने गौरी खान से प्रभावित होकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से फ्लैट खरीदा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि पैसे चुकाने के बावजूद वो फ्लैट किसी और को बेच दिया गया। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस मामले पर तहकीकात कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि सितारों को बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। गौरी खान, उम्मीद करते हैं ये FIR कम से कम आपको इतना सबक तो सिखा ही देगी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।